नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुशल राजनेता, हर वक्त जनता की समस्या सुनने के लिए जनता के बीच मौजूद रहने वाले सरल और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी, समाज सेवी, जनसेवक, पूर्व विधायक सावेर, वर्तमान जिलाध्यक्ष इंदौर ग्रामीण डॉक्टर राजेश सोनकर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, चाहूँगा कि आप अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? जैसा कि विदित है कि आप जब कक्षा छठवीं में थे, 10 से 11 वर्ष के थे, तब से आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, कृपया हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। सही बात है, कहावत है जी, पुत्र के पांव पालने में नजर। बिल्कुल बिल्कुल सर, शायद मेरा भी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जी ऐसी ही कहावत से शुरू हुई जी। बचपन में जब पढ़ने का खेलने का की उम्र थी, तब से ही राजनीति क्षेत्र में काफ़ी रुझान रहा जी। बड़े नेताओं से भी काफ़ी प्रभावित रहा, और उसी का कारण है कि इंदौर के जगन्नाथ स्कूल छावनी में हमारा, जब मैं क्लास छठी का विद्यार्थी था जी, तब क्लास मॉनिटर के लिए छात्र संघ के चुनाव होते थे, और उस समय कक्षा के जो मित्र हैं उन मित्रों के साथ में चुनाव लड़ने का मन बना और चुनाव लड़ा, और संयोग से बहुत अच्छे वोटों से चुनाव में उस समय स्कूल के जितने भी क्लास मॉनिटरों के चुनाव हुए थे उसमें सबसे अधिक वोटों से जीत कराया। उस कारण से कुछ और भी प्रोत्साहित प्रोत्साहन भी मिली मन सर। जैसा अभी चर्चा रहती है कि आप बहुत ही सरल और स्वाभाविक ढंग से, मतलब मिलनसार व्यक्तित्व के, इसी तरह कहा जाता है कि स्कूली शिक्षा में और युवा जब राजनीति आपकी चल रही थी तो एक दबंग नेता की छवि थी, वो क्या वाक्य है कि जब आप 9th या 10th क्लास में थे और गुजराती जो स्कूल है वहाँ पर आपको स्ट्राइक करना पड़ गया था, जरा उसके बारे में भी कुछ। छठी, सातवीं और आठवीं तीनों क्लास में जब जगन्नाथ स्कूल में था, जब मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा था जी जी, और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीता। आठवीं क्लास में जगन्नाथ स्कूल में मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा जी, और जब 6th, 7th, 8th क्लास में चुनाव लड़े हो तो स्वाभाविक है फिर मन में ये इच्छा भी जागृत थी कि अब 9th क्लास में जब मेरा एडमिशन गुजराती स्कूल में हुआ, RRMP गुजराती विद्यालय में हुआ जी, और वहीं लगा हुआ कैंपस कॉलेज का था, उस समय बहुत चरम पे छात्र राजनीति होती थी, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज, गुजराती साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव होते थे, बहुत वातावरण माहौल बड़ा उत्साहित होता था छात्रों के बीच में। और चूँकि 8th क्लास तक चुनाव लड़के गए थे और 9th क्लास में गुजराती स्कूल में एडमिशन हुआ था, गुजराती स्कूल में उस समय छात्र संघ के चुनाव नहीं होते थे, और जब छात्र संघ के चुनाव नहीं होते थे मन में उत्साह था और लगन थी कि चुनाव लड़ना है, और जब मालूम पड़ा कि चुनाव नहीं लड़ना है और लड़ने को मिलना है, यहाँ पे मिलेगा और चुनाव नहीं होते हैं, तो इस बात को लेकर वहाँ के और जो विद्यार्थी मित्र थे उनके बीच में फिर हम लोगों ने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में निर्णय हुआ कि हमको भी आंदोलन करना चाहिए, मांग करना चाहिए स्कूल मैनेजमेंट से कि छात्र संघ के चुनाव करवाए जाएं, और उसमें उस बात को लेकर फिर हमने, हमारे कुछ मित्रों ने मिलकर माननीय प्रिंसिपल जो हमारे थे उस समय के मेहता साहब, उनके सामने बात रखी, और जब ऐसा लगा कि शायद स्कूल प्रशासन चुनाव के लिए सहमत नहीं है तो फिर हम सब विद्यार्थियों ने मिलकर उस समय स्कूल में स्ट्राइक वगैरह बंद हो रही है सब इस प्रकार से। सर, एक आप जैसे युवा राजनीति में, स्कूली शिक्षा में आपने राजनीति की, कॉलेज से जुड़ते हैं, एक आपका AVP से जुड़ने का एक किस्सा लोगों में चर्चित है कि वर्तमान जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी की, उनकी लूना की एक कहानी है कि उनकी लूना गाड़ी से आप पहली बैठक में बैठते हैं, उसका क्या सर उद्देश्य था और क्या कहानी है, जरा दर्शकों को। जब मैं कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में जी, जब मेरा नया कॉलेज के विद्यार्थी जीवन की शुरुआत थी, संयोग से माननीय कमल पटेल जी जो अभी हमारे कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, कमल जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम का काम उस समय काम देखते थे, और कश्मीर आंदोलन उस समय चल रहा था जिसमें विद्यार्थी परिषद ने कश्मीर आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कमल जी से संपर्क हुआ, कमल जी ने उस समय हम सभी लोगों को विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के लिए आग्रह किया, और उस कश्मीर आंदोलन के माध्यम से फिर हम कमल जी के संपर्क में आने के बाद जुड़े, और उसके बाद फिर वो लगाव ऐसा हुआ, जुड़ाव हुआ कि विद्यार्थी परिषद के साथ में जुड़ने के बाद में फिर जो सफ़र है वो फिर हमारा आगे बढ़ता है। सर, जैसा कि हम युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है आपकी कहानी से कि आप जब कॉलेज शिक्षा में थे, BCOM फाइनल ईयर में थे, तो आपके ऊपर कुछ 18 केस फाइल हुए थे थाने में, सर वो क्या कहानी है? हम जैसे युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि वहाँ के जो थानेदार TI रहते हैं आपको शाबाशी देते हैं कि आगे बढ़ते जाओ, सर क्या कहानी है वो?
इंदौर कृष्ण कॉलेज का मैं विद्यार्थी था और जब भी कोई समस्या विद्यार्थियों से संबंधित होती थी तो हम उसको लेकर मैनेजमेंट के सामने और शासन प्रशासन के सामने कई बार हमने कॉलेज बंद करवाने की स्थिति अगर आती थी अपनी बात को मनवाने के लिए तो छात्र हित में हम वो भी करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते थे। और चूंकि कृष्ण कॉलेज का जो मैनेजमेंट था कहीं ना कहीं हमारा उनके बीच में किसी बातों को लेकर ऐसा टकराव होता था। यूनिवर्सिटी में भी कई बार हमने प्रदर्शन किए जी और मैनेजमेंट से चूंकि टकराव होने के कारण कई बार ऐसा होता था कि मैनेजमेंट हमारी शिकायतें थाने पे कर देता था और मुझे भी जानकारी नहीं थी। एक बार जब मुझे छोटी गौटोली थाने के तत्कालीन टीआई थे उस समय खुजनेरी जी, उन्होंने थाने पर बुलवाया। जब वो नए नए आए थे थाने पर, थाने पर बुलवाया मुझसे मिलने के लिए। मैं गया तब मुझे जानकारी ये मिली कि मेरी 18 शिकायतें थाने पर, 18 शिकायतें जी 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 और मुझे भी आश्चर्य हुआ। और थाना प्रभारी जो थे खुजनेरी जी, उन्होंने भी मुझसे यही बात कहा कि मैं भी ये देखना चाहता था कि ऐसा कौन सा विद्यार्थी जिसकी इतनी शिकायतें और उसका कारण क्या है। जब उन्होंने मुझसे पूछा तब मैंने बताया कि भाई विद्यार्थियों के हित में अगर लड़ना अपराध है तो हमको स्वीकार है, हम तो लड़ेंगे विद्यार्थियों के लिए। अगर जनसेवा में आएंगे तो कहीं ना कहीं विरोधी भी तैनात रहते हैं जी। लेकिन इस बात का मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि वो जो उस समय जो खुजनेरी साहब थाना प्रभारी थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया, हमको शाबाशी भी दी, उन्होंने उनके जीवन की बातें हमको बताई कि हम भी जब विद्यार्थी थे तो विद्यार्थियों के हित में हमको भी लड़ने कई बार हम भी लड़ते थे। और अगर आप विद्यार्थी की बात करते हैं, उनके हित में अगर काम करते हैं तो कोई बुरा नहीं है। और ऐसा करके उन्होंने कुछ हमको मोटिवेट किया, कुछ समझाइशें भी दी जिसका। सर ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक और किस्सा आपकी राजनीति के बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि आपने 18 दिनों की भूख हड़ताल की थी, फटे हुए टेंट के नीचे मूसलाधार बारिश में आप बैठे रहे, वो क्या कारण था, क्यों आपको वहाँ पे बैठना पड़ा, क्या प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, क्या वजह क्या थी? बहुत पुरानी बात है, जब हम 11th क्लास के बाद 12th में हमारा एडमिशन का विषय था और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की और रिगल टाके चौराहे पे कुछ विद्यार्थी हमारे, जब मैं विद्यार्थी परिषद से नहीं जुड़ा था, स्कूल से मैं निकला था, कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं हुआ था, विद्यार्थी परिषद में तो कॉलेज में आने के बाद में जुड़ा। तब हमने वो ओल्ड कोर्स के विद्यार्थियों को 12th में कॉलेज में एडमिशन देने वाले विषय को लेकर आंदोलन किया था और जब हमारी बात नहीं सुनी गई तब आंदोलन हमने सामने रिगल टाके चौराहे पे किया था और बहुत मूसलाधार बारिश थी उस समय। लगातार हम 12 दिन तक उस आंदोलन बैठे थे जिसमें 5 दिन में मैं और मेरे एक पुराने एक मित्र हैं साथी गोपाल यादव जी, हम दोनों ने अनशन भी किया था उसमें, आमरण अनशन भी किया था। सर चलिए बात करते हैं कि अभी वर्तमान परिदृश्य में कि प्रदेश की बात करें तो 28 सीटों में उपचुनाव होना है, सर कितने आश्वस्त हैं कि कितनी सीटें भाजपा की झोली में आ जाएंगी? तो कहते हैं कि कभी कभी संयोग ऐसा बनता है कि हम जो ईश्वर से मांगते हैं मन से, ईश्वर भी वो देने में कभी चूक नहीं करता है। और मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में झूठ और फरेब की राजनीति के कारण जो कांग्रेस की सत्ता बनी थी उसके बाद निरंतर जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ में छलावा हुआ था, प्रदेश के मतदाता प्रदेश की जनता के बीच में जो एक उत्साहना इस आ गई थी झूठ की राजनीति और झूठ की राजनीति के कारण, शासन की जितनी भी योजनाएं थी जनकल्याणकारी योजना गरीब वर्ग के लिए गरीब तबके के लिए वो सब बंद कर दी गई, किसान भाइयों से महिलाओं से युवाओं से जो वादे किए गए थे एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में ये आक्रोश था और ईश्वर से वो कामना करते थे कि जब भी हमको ऐसा अवसर मिले कि ये सरकार को हम उखाड़ फेंकें और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, शिवराज सिंह जी फिर इस प्रदेश के मुखिया बने और जिस प्रकार से वो प्रदेश की सेवा कर रहे थे वो प्रदेश की सेवा का सफ़र जो है वो रिश्ता वापस से कायम हो। और ईश्वर ने उस बात को मैं समझता हूँ कि स्वीकार किया है, माना है कि आज भारतीय जनता पार्टी की पुनः प्रदेश में सरकार बनी। तो ये हर मतदाता के मन में ये बात है, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीतने के लिए हमको कोई बहुत कैलकुलेशन की जरूरत है। हर व्यक्ति मन बना के बैठा है कि 3 नवंबर कब आए, हमको वोट डालने का अवसर कब मिले और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में होने वाले 28 में से 28 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, आश्वस्त है कि 28 सीटें भाजपा के साथ आएंगी। सर अभी वर्तमान परिदृश्य में तो सावेर हॉट सीट बन चुकी है, आप स्वयं वहाँ से प्रत्याशी भी रहे हैं पूर्व में, सर एक ऐसी स्थिति बनती है कि आपके पार्टी के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं जो 2 वर्ष पहले आपके लिए मैदान में उतरे थे, आपके लिए झंडे लेकर लोगों के पास पहुँचे थे,
क्या उन्होंने दूसरे दल से आए नेता को एक्सेप्ट कर लिया, उनको अपना लिया, आपके जगह पर उन्होंने अपना नेता उनको मान लिया क्या सर? ऐसा कोई स्थिति बन रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एकमात्र उद्देश्य होता है, एकमात्र ध्येय होता है कि पार्टी जीते, कमल खिले। हर कार्यकर्ता, कल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, कमल को जिताने के लिए काम कर रहा था, आज भी हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। हर व्यक्ति का एक ही सपना, एक ही ध्येय है कि सांवेर में 2018 में जो हमसे चूक हो गई थी, उस चूक का बदला लेना है। भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक वोटों से सांवेर से जीते, इसके लिए हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता और समर्पणता के साथ में चुनाव में लगा हुआ है। सर, कार्यकर्ताओं में कई जगह सुनने में आता है, जनता की आवाज़ आती है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा गया कि हम दल का नेता बदल रहे हैं, कैसे हम उनके साथ कार्य कर पाएंगे, दो दल के अलग अलग नेता अलग विचारधाराओं के साथ जुड़ेंगे, तो उस पर क्या स्थिति बनती है, क्या संगठन का क्या कैसे कार्य योजना तय हुई? नहीं, चूँकि अब कांग्रेस से जीते जो भी नेता हमारे आए हैं, जो भी कार्यकर्ता मित्र आए हैं, स्वाभाविक रूप से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विचारधारा में अपना विश्वास व्यक्त किया है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को उन्होंने आत्मसात किया है। अब तो सब एक ही विचार, एक ही मत, एक ही रस में रम गए हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब ये कोई विषय है, अब सब एक मुराद काम कर रहे हैं। जी सर, जैसे कहा जाता है कि सांवेर में विकास नहीं हो सका, कुछ समय पहले आप विधायक थे, अभी बीच में सिलावट जी आते हैं, और वर्तमान में भी सिलावट जी आपके साथ ही जुड़ चुके हैं, ऐसा क्या कारण है कि सांवेर कहीं कहीं पीछे रह गया, क्या पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सका? अगर हुआ है तो सिर्फ ये विपक्ष की बातें हैं, क्या कारण है कि सर अभी भी ऐसी बातें उठती हैं कि सांवेर में जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था, इंदौर से लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, वो नहीं हो पाया? जी, आपके माध्यम से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कांग्रेस के उन मित्रों को जिनको सांवेर में विकास नहीं दिख रहा है, वो मेरे साथ बैठे हैं जी, उनका स्वागत है जी। वो लिस्ट लेके बैठे, एक लिस्ट लेकर मैं बैठता हूँ, मुझे ये बात बताते हुए प्रसन्नता हो रही है जी। 2013 से 2018 के बीच में 5 साल जब मैं सांवेर के विधायक के रूप में क्षेत्र की सेवा कर रहा था जी। तब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकसित और विकास होने वाली विधानसभा सीटों में से एक सांवेर विधानसभा थी, जहाँ पर हमने 1200 करोड़ के विकास के कार्य किए। कांग्रेस के मित्र शायद अभी भी उनको दिग्विजय सिंह की सरकार वाला चश्मा उतर नहीं पा रहा है, वो उसी चश्मे से देखना चाह रहे हैं, जुगाड़ वाली जो उनकी सोच है। सर, हमको कैसा मानना चाहिए कि अब जैसे सांवेर में तो सिलावट जी आ चुके हैं, आपको संगठन की जिम्मेदारी दे दी गई है, और आप जिलाध्यक्ष बनते ही एक बड़ी बात देखी गई कि कोरोना काल में आप हाईवे में पहुंच गए लोगों की मदद करने, तो वो क्या वजह है सर कि मतलब एक जनसेवा का भाव जागरूक होता है, और क्या अब आप अभी संगठन में ही आगे बढ़ेंगे कि या फिर और पार्टी की कहीं और तैयारी है? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मूल स्वभाव होता है जी, हम सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, हम सामाजिक और रचनात्मक कामों में भी अपनी पूरी सहभागिता बढ़ चढ़कर हर कार्यकर्ता हमारा निभाता है। और चूंकि कोरोना काल में हम सबकी सामाजिक जवाबदारियां भी, हमारा धर्म था कि हम अपने घरों से निकलकर ऐसे हमारे बंधुओं का, ऐसे मित्रों का, ऐसे जो हमारे उस समय जो मजदूर भाई प्रदेश के बाहर से आ रहे थे, उनको साथ खड़े होने का, कंधे से कंधा मिलाने का वो समय था जी। और कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने घरों से, जानते हुए भी कि उस समय घरों में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी था, घरों के अंदर होना जितनी आवश्यकता थी, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरत थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने उस समय घरों से बाहर, उस समय अपने प्राण की, अपनी खुशियों की चिंता नहीं करते हुए उन परिवारों की चिंता करने के लिए बाहर आए, और वो मैं नहीं, सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे जिन्होंने ऐसे मजदूर परिवार के जो हमारे भाई बहन आ रहे थे, उनको भोजन कराना है, चाय पिलाना, उनको दूध पिलाना है, बच्चों की दवाई की व्यवस्था, उनके पैरों में जूते चप्पल में अगर की आवश्यकता तो वो तक भी हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पहनाया, उनको अपनी स्वयं की गाड़ियों से हमने जहाँ भी उनको जाना था वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। प्रकाश सोनकर जी की कुछ यादें, उनका मार्गदर्शन में उनकी बताई हुई बातें जो आपको अभी भी याद आती हैं, उनका कैसा योगदान था आपके जीवन में? उनकी वही जो कार्य करने की शैली हम लोगों ने देखी, हम भी अब काफ़ी कुछ हमको उनको सीखने को मिला। एक बार का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, बैठे बैठे उन्होंने मुझे एक वाक्य बताया था, रात को एक बार किसी काम से उन्होंने मुझे मोबाइल लगाया और उसको मेरा मोबाइल शायद बंद था, दूसरे दिन उन्होंने मुझे बुला के समझाया और उन्होंने ये बताया कि बेटा रात को मोबाइल कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, हम अगर राजनीति क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कोई भी कार्यकर्ता है अगर परेशानी में है, मजबूरी में है, रात को तो वो आप ही को फ़ोन लगा के आपको ही अप्रोच करता है, दिन में उसको 10 माध्यम दूसरे सहयोग करने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन रात को कोई और नहीं मिल सकता है, इसलिए कभी भी रात को मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। और मैंने उस बात को उनकी
जो कहते हैं ना कभी कभी कोई अच्छी बातें बड़ों की होती है तो उसको गढ़ान मान लेना चाहिए, गढ़ान मान लेना चाहिए, गढ़ान मान दी। और तब से लेके आज तक मेरा कभी रात को मोबाइल बंद नहीं हुआ। ये बात 2005 की है और 10 से 15 साल हो गए, 15 साल में मैंने कभी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया। बिल्कुल सही, आपकी उपलब्धता तो हम भी मानते हैं, मीडिया में भी चर्चा की बात रहती है। सर एक और प्रश्न है कि जैसे इंदौर क्षेत्र में एक टाई भाई का एक अपनी अलग अलग कमेटी हो जाती है, गुट बट जाता है, ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे कई 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 बातें ऐसी आती हैं, कई मुद्दे आते हैं कि दो धड़े हो जाते हैं, लेकिन आपकी तरफ ऐसा कहीं नहीं देखा गया, आपको दोनों तरफ का समान प्रेम देखा गया, समान योगदान देखा गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में और हमारे वरिष्ठ नेताओं में कोई गुटबाजी वाली या कोई आपस में कहीं ऐसी असमंजसता की बात हो। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इंदौर जिले में हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता, बड़े नेता, हम जैसे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों को मिले हैं, और मेरे जैसे अन्य को कार्यकर्ताओं को जब भी आवश्यकता होती है तो हम आदरणीय ताई जी की बात करें या आदरणीय कैलाश जी की बात करें, उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग हम सभी लोगों को मिलता है। मतलब अंतिम प्रश्न है कि अभी क्या अभिलाषाएं हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं कि पार्टी आपको कहाँ तक ले जाएगी और आपका कहाँ तक योगदान दिखता है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, सभी इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना अपने आप में गौरव और गौरवान्वित होने वाला विषय है, बहुत गर्व की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने जब जब जो जो जवाबदारी दी उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ में हमने किया है। आज भी पार्टी ने जवाबदारी दी उसको अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, और आगे भी पार्टी जब जो जवाबदारी देगी उसको करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे राजेश सोनकर जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की बातें करी, समाज सेवा की बातें की, और कोरोना काल में कैसे लोगों की मदद की वो बताया, और संगठन के कार्य को सुचारू रूप से कैसे चलाते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।